हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई गेस आप सबका एक ही सवाल है बहुत टाइम से कि ये रैरियो क्या है एंड इसे आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। हाउ कैन यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम रैरियो। सो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, एक सेट ऑफ कार्ड्स मिलेंगे आपको, एक पैक बन के आता है। उनके वेबसाइट पे ये पैक्स अवेलेबल है, कुछ $9 के पैक है, एक स्टार्टिंग में था $75 का पैक। तो ऐसे अलग अलग प्राइजेस के पैक्स आते हैं। इन पैक्स में आते हैं 6 प्लेयर कार्ड्स। ये प्लेयर कार्ड्स के साथ आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें हैं जिससे आप इससे आप एक्चुअली प्रॉफिट कमा सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ यू कैन यूज़ ये जो प्लेयर कार्ड्स है इन अ गेम जो बनाने वाले हैं ड्रीम इलेवन CPL से एक हफ्ते पहले रिलीज करेंगे। एक गेम स्ट्रैटेजी गेम होगा, जैसे आपका ड्रीम इलेवन पर नॉर्मल गेम है जहाँ पर प्लेयर्स होते हैं, आप एंट्री फी भरते हो एंड वो एंट्री फी भरने के बाद आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपने एक बार वो प्लेयर कार्ड ले लिया, फिर आप वही प्लेयर कार्ड के थ्रू इस गेम को ज्वाइन कर सकते हो। अब बहुत सारे सवाल, कितने पॉइंट्स, क्या सिस्टम होगा, अब तक पॉइंट सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है, बट ये बात की ज़रूर क्लैरिटी है कि एक गेम शुरू करने, फॉर एग्जाम्पल आज अगर बारबाडोस और नाइट राइडर्स का गेम है, ट्रिनिडैड नाइट राइडर्स, अभी एक गेम को आप कैसे खेलोगे, आपके पास चाहिए कि ये दोनों टीम से मिलाकर आपके पास हो 3 प्लेयर कार्ड्स। ये 3 प्लेयर के साथ कार्ड्स के साथ आप अपना गेम शुरू कर सकते हो। मतलब एक पैक में कितने कार्ड्स आते हैं, एक पैक में आते हैं आपके पास 6 कार्ड। तो अगर आप दो पैक लोगे और CPL में है ही 6 टीम, तो आप दो पैक ले लोगे तो उसमें आ गए 12 कार्ड्स। एक एक कार्ड होता है एक एक टीम से, तो ये हो गए आपके पास 12 कार्ड्स। दो पैक में से चाहिए तो आप तीसरा चौथा पैक भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए या ज़्यादा वैरायटी चाहिए। अब ये कार्ड्स का सिस्टम क्या है, ये कार्ड्स आपने एक बार ले लिए तो आप फ्री एंट्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ही ज्वाइन कर सकते, वो कार्ड आपके साथ ही रहेंगे हमेशा, वो कार्ड्स किधर भी नहीं जाएंगे। ये बेस्ट पार्ट है। एंट्री फी कैसे होता है, एक बार अगर आप कॉन्टेस्ट हार गए आपके पैसे गए, बट कार्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। कार्ड्स एक बार आपने ले लिए वो कार्ड्स हमेशा के साथ, हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ आपके ही रहेंगे। सो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज ये प्लेयर कार्ड्स का। अभी ये प्लेयर कार्ड्स का एक और क्या बेनिफिट है कि सपोज़ अभी आपने, आपको मिल गए 3, 4, 5, 6 कार्ड जो भी आए पैक में, ब्रावो आ गया, ताहिर आ गया, जैसे मैंने शेयर किया मुझे आए, अभी आपको चाहिए कोई दूसरा कार्ड, मे बी आपको चाहिए पोलार्ड, मे बी आपको चाहिए हेटमायर, बट आपको वो कार्ड पैक में नहीं मिले और आपको पूरा पैक वापस नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे इस सिनेरियो में, आप जा सकते हो मार्केट प्लेस पे। अब 15th अगस्त या उसके आसपास रैरियो अपने वेबसाइट पे खोलेगा एक चीज़ मार्केट प्लेस करके। इस पे आप क्या कर सकते हो, आप कार्ड्स ले भी सकते हो और अपने जो पुराने कार्ड्स हैं वो आप बेच भी सकते हो। फॉर एग्जांपल $9 में आपने लिए 6 कार्ड्स, करेक्ट, उसमें आपको आ गए एक दो अच्छे कार्ड जो आपको रखने हैं, जो आपको लगता है आपको आगे गेम में काम आएंगे, एक दो कार्ड आपको ऐसे लगते हैं कि मे बी ये प्लेयर या तो आपको ठीक नहीं लग रहा, आपको लग रहा है परफॉर्म नहीं करेगा, या आपको लगता है कि आपको वो कार्ड नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट प्लेस पर जाके, मार्केट प्लेस क्या होता है बेसिकली, मार्केट प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं कार्ड्स की लेन देन, तो आप मार्केट प्लेस पर जाइए, वही कार्ड को वहाँ पर लिस्ट कर दीजिए कि सपोज़ मुझे मिला रोमन पॉवेल, वो मुझे अपने कार्ड्स के पैक में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट प्लेस पर जाऊँगा, सपोज़ मैंने $9 में वो 6 कार्ड खरीदे तो पर कार्ड मेरा कितना कॉस्ट हो गया, अबाउट $1.5-$2, तो मुझे लगता है कि मार्केट में लोगों को वो कार्ड चाहिए तो मैं $3-$4 में प्राइस करके उसको बेच दूँगा, या मुझे चाहिए कि मुझे खाली वो कार्ड अपने पैक से निकालना है तो $1.5-$2 वही प्राइस में मैं बेच के वो बात को ख़त्म करूँगा। तो इस तरीके से आप दो तरीक़ों से प्रॉफिट बना सकते हो, एक तो जो आपका गेम है वो गेम कैसे चलेगा, आप फ्री एंट्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, उसमें कुछ प्राइजेज होंगे, किसी को $100, किसी को $200, वही रुपीज़ में भी उसका कन्वर्जन होगा ही, तो वो आपके लिए होगा ज्वाइन करने के लिए इजी। दूसरा तरीका होगा कार्ड का ट्रेडिंग, जहां आपको लगता है कि ये कार्ड आप मार्केट में बेच के बहुत पैसे कमा सकते हो तो आप कमा लोगे, या तो आपको देखा कि किसी ने सस्ते में एक कार्ड डाल दिया तो जल्दी से वो कार्ड खरीद लो और उसकी वैल्यू फिर आप अपने गेम में यूज़ करो, या आपको लगता है कि अच्छा ये बंदे ने सिर्फ $3 में बेचा है बट आपको लगता है कि वही चीज़ का वैल्यू $10 है तो वही लेके वापस उसको बेच दो। इसको कहते हैं ट्रेडिंग, जो बहुत लोग ऑलरेडी करते हैं। तो ये सिर्फ पहली दो यूटिलिटी है, इसके बाद रैरियो और भी ऐसी यूटिलिटीज़ बना रही है कि आप कार्ड को अलग अलग जगह पर यूज़ करो। लाइक आपके मन में आ रहा होगा अभी प्लेयर रिटायर हो गया तो आप क्या करोगे उस कार्ड का, सिंपल चीज़ है, अभी ये आजकल लेजेंड्स लीग आ गया है, लोग यहाँ वहाँ खेलते हैं, वो कार्ड का सिर्फ गेम में भी यूटिलिटी नहीं होगा, और भी यूटिलिटी यहाँ बनेंगी,
अभी आज किसी को तेंदुलकर का कार्ड नहीं, भी तेंदुलकर कहीं खेलता भी नहीं हो, बट मुझे चाहिए कि मैं तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे वो कार्ड अपने प्राइड और यूटिलिटी के लिए चाहिए, तो वो मैं उसे रख सकता हूँ। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, रैरियो बहुत सारी यूटिलिटियों पे और काम कर रही है, तो ये है रैरियो से प्रॉफिट बनाने के सिर्फ पहले दो तीन तरीके, आगे और भी तरीके बनने वाले हैं। नीचे मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर साइन अप करना है, गेम का सैम्पल देखना है, सिंपली लिंक पे दबाइए और जाइए, देखिए। कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं यहीं पे आंसर करूँगा, ताकि कोई भी कॉमन क्वेश्चंस हो तो सब एक ही जगह पे सॉल्व हो जाए। तो गुड लक टू यू, और कुछ भी हो तो ज़रूर पहुँचेगा मेरी तरफ।